नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। रिश्ते में धोखा खाने के बाद एक युवती भुवनेश्वर के पहाड़ी इलाके में बालियांता पुलिस की सीमा के अंतर्गत सरकाना गांव में अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। बिना भोजन और पानी के युवती अपने प्रेमी के घर के बाहर बैठी है, जबकि उसका प्रेमी अपने परिवार के साथ भाग रहा है। घर को बाहर से बंद कर दिया गया है, जबकि लड़की पुलिस या प्रशासन से कथित तौर पर कोई मदद नहीं मिलने के बावजूद अपना धरना जारी रखे हुए है। अब उसने आत्महत्या करने की कसम खाई है और अपनी हालत के लिए अपने प्रेमी विश्वजीत सामंतराय और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रेमिका ने कहा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वह भी मुझसे प्यार करता था। हम फेसबुक के जरिए जुड़े और जल्द ही हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हमने अपने परिवारों को एक अपने रिश्ते के बारे में बताया। उसने अपने माता पिता को बताया और मैंने अपने माता पिता को बताया। बाद में वह अपने माता पिता के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे घर आया। लड़की ने दावा किया। उसने आगे कहा, हमारी सगाई हो चुकी थी। उसने अपने लोन और ईएमआई चुकाने के लिए मुझसे बहुत से पैसे भी लिए हैं, लेकिन बाद में वे पैसे मांगने लगा और जब मैं उनकी मांगे पूरी नहीं कर पाई तो उन्होंने शादी तोड़। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार उड़ीसा की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीवीएन 24 न्यूज के साथ।